हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी एम्स पीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, और क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और क्या क्या प्रोसेसेस होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आगे आपको कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आपने एक तो ये बात करने वाले, दूसरा कि आपका एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट कब आएगा। तो पहली बात तो ये कि आपका जो एम्स बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग है, पहले आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और उसके बाद में आपका है ओपन राउंड। इन तीन राउंड में आपका काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। सबसे पहले क्या होता है, देखो एक होता है आपका मॉक राउंड। फर्स्ट राउंड से पहले भी क्या होता है, मॉक राउंड होता है। अभी ये कब होगा, तो आपका जो पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर है वो आपका स्टार्ट होगा 9 to 10 से। ये ऑफिशियल नहीं है, टेंटेटिव डेट है आपका, इतने से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी विद इन कुछ दिन में आपका काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें सबसे पहले आपको सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस, आपको जितने भी आपके 15 एम्स कॉलेजेस हैं उनका आपको फिल करना है कि आपको उसमें कल्याणी रखना है, बीबी नगर रखना है, पटना रखना है, दिल्ली रखना है, क्या रखना है, किस रैंक पे रखना है। भैया मेरे 55 मार्क्स हैं, 65 मार्क्स हैं, 75 है या 70 है या 68 है, या मेरा रैंकिंग 1000 है, 1500 है, 2000 है, 1700, मुझे कौन सा रखना चाहिए, सबका सॉल्यूशन है, ठीक ना। उसके बाद में जो आप चॉइसेस रखोगे भाई, उसमें अपने रैंकिंग के अकॉर्डिंग रखना है। लास्ट ईयर के आपको 2 से 3 साल का आपको डाटा एनालाइज करके कि अच्छा मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि भाई आपको पता है कि कंपटीशन बहुत टफ है। कंपटीशन कहने का मतलब टफ क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, आपने देखा, और जो स्टूडेंट का जो सीट में आपको जो निकला है वही स्टूडेंट केवल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। पहली बात तो वो स्टूडेंट मॉक राउंड के लिए, मॉक राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर उनको सीट अलॉटमेंट होगा, तो वो उसको ले नहीं सकते, वो बस एक बार ट्राई करने के लिए। उसके बाद में दोबारा से उनको एक्सरसाइजिंग चॉइसेस, वो फर्स्ट राउंड के लिए उनको चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक ना। देन उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड, उसके बाद उसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। देन उसके बाद में उसको सीट को वो एक्सेप्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, देन ये फर्स्ट राउंड होगा। उसके बाद में अगर वो कर पाते तो उनको डीडी जो है कॉलेज के लिए फी पे करना होगा एम्स के लिए। फर्स्ट राउंड ऐसे आपका होगा। देन बात करें हम सेकंड राउंड के लिए, तो देन जो सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो उसमें देखा, उसके में दोबारा से आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। क्या होगा, दोबारा से आपको चॉइस फिलिंग करना होगा कॉलेजेस का। देन उसके बाद में आपको फिर सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। देन उसके बाद नहीं होगा, फिर ये सेकंड आपका प्रोसीजर होगा। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट आता है ओपन राउंड में क्या होता है भाई, उसके बाद में आप दोबारा से रजिस्टर कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपने नहीं किया है। और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल भाई, उसके लिए कौन कौन आपका एलिजिबल भाई, जिस स्टूडेंट को यहाँ पे सीट नहीं मिला वही स्टूडेंट ओपन राउंड के लिए एलिजिबल है। तो ये रहा ओपन राउंड के बाद में, ये था आपका काउंसलिंग प्रोसेस। करना कैसे, इसके लिए आपको जाना है आपकी एम्स एग्जाम्स .ac.in, इसकी वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ जैसे प्रोसीजर आपका, जो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा आपको वैसे ही फॉलो करना है, वो जैसे ही आपका 9 to 10 के बीच में आ जाता है। अब जो स्टूडेंट की सर हमको तो कुछ पता भी नहीं है कैसे कॉलेजेस फिल करना है, और एक चीज़ की आपको जाओगे आप जाओगे अपने भाई नियर बाई जो साइबर कैफे होगा उसके पास काउंसलिंग, भाई उसको कोई आइडिया नहीं है कौन सा एम्स कॉलेज क्या है क्या नहीं है। तो आप इससे बेटर रहेगा कि आप हमारी टीम के थ्रू अपना काउंसलिंग करा सकते हो, अपने मैक्सिमम चांसेस, आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि सर उसको कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। तो ये देखिए, अगर आपको हमारी टीम के थ्रू काउंसलिंग कराना है जिसमें आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस को फिल किया जाएगा, आपको गाइड भी किया जाएगा, कम्प्लीटली आपका काउंसलिंग हमारे द्वारा करके दिया जाएगा, आपको आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको बस सीट अलॉटमेंट का वेट करना है। उसके लिए 599 रुपी फी है, जिसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट, अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट चाहते हो तो आपको दे भी दिया जाएगा या तो हमारे द्वारा फिल करके भी दे दिया जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक QR कोड पे आपको 599 रुपीज का पेमेंट का स्क्रीन शॉट आपको स्कैन करना है और इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। आपको इधर नंबर दिख रहा है, इस नंबर को मैं आपको लिख देता हूँ 6350578481। आप इस पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो, कॉल बेटर रहेगा। आप व्हाट्सएप करें कि भैया मैं काउंसलिंग प्रोसेस ज्वाइन करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करके आपको अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और आपका कंप्लीट। और आपको ज्वाइन करने से पहले आपको अपना पूरा नाम सेंड करना, फुल नेम सेंड करना है, आपका जो भी स्कोर कार्ड आया था वो सेंड करना, पेमेंट का स्क्रीन शॉट सेंड करना है। देन उसके बाद में आपको पूरा काउंसलिंग करके दे दिया जाएगा। तो ये था पर्सनल काउंसलिंग के बारे में, ये भी जरूरी है क्योंकि भाई आपको आइडिया नहीं हो पाता है, साइबर कैफे पे आप चले जाते हो तो फिर बाद में आपको दिक्कत आता है कि भैया मेरे को तो उसने
आपको दिल्ली डिजर्व करते थे और आपको दिला दिया कल्याण या देवगढ़। आप दिल्ली, आप ऑब्वियस बात है अच्छा कॉलेज से, आपको जोधपुर डिजर्व करते थे, आपको कोई और दिला दिया, तो दिक्कत वाला बात है ना ये, ठीक ना। और उनको कोई पता नहीं कि कब राउंड का रिजल्ट आता है क्या नहीं आता। आपको यहाँ आप ग्रुप में रहोगे, अपडेटेड रहोगे, तो इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ पैरामेडिकल के बारे में कि सर पैरामेडिकल का रिजल्ट कब आएगा उसका भी बता दीजिए। जो पैरामेडिकल का रिजल्ट है भाई देख लीजिए, अभी आपका जो विदिन है आपका 10 से 14 जुलाई के बीच में आपका इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा पैरामेडिकल का, क्योंकि इसका पैरामेडिकल एम्स पैरामेडिकल का जो आपका एग्जाम था वो आपकी नर्सिंग के बाद में हुआ, तो इस डेट तक आपका रिजल्ट कंफर्म आपका आ जाएगा। रिजल्ट कैसे देख रहे हैं वो भी सेम है, आपको एम्स बीएससी नर्सिंग सॉरी एम्स एग्जाम्स डॉट एसी पे जाना है, एकेडमिक वाले सेक्शन में जाके वहाँ आपको मिलेगा एम्स पैरामेडिकल वाला, उस पर क्लिक करना है, अपना डिटेल्स पुट करना है और लिस्ट भी आपका निकालेगा, एम्स खुद भी लिस्ट निकालेगा जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, आपको काउंसलिंग के बारे में पता चला कब से स्टार्ट होने वाला है। और हाँ, जो भी कैंडिडेट जो भी गर्ल्स काउंसलिंग चाहती है वो जरूर ज्वाइन कर सकती है। सो चलो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक।